Hi everyone and welcome to Big Brown Kitchen. आज हम देखेंगे कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम हम घर पे कैसे बना सकते हैं। कढ़ाई मशरूम एक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी मेन कोर्स रेसिपी है जिसे आप अपने स्पेशल गेट टुगेदर पार्टीज में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए एक बाउल के अंदर हम 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 काली मिर्च के दाने, 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज, 2 इलायची के बीज और 2 लौंग को कूटकर इन सब का पाउडर बना लेंगे। मसाले को हम साइड पर रख देते हैं और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को हमने यहाँ पर स्क्वायर्स में काटा है और इन दोनों ही चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही आपको लगे कि जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट पिंक हो चुकी है और जो शिमला मिर्च है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हम इन दोनों ही चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई के अंदर और सेम ऑयल के अंदर हम 400 ग्राम मशरूम को इस तरह बीच में से काट कर डाल देंगे। मशरूम को भी हम अच्छे से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। 3 से 4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि मशरूम में से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा है तो मशरूम को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो उसमें से बचा हुआ पानी और ऑयल है उसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो पानी है इसको हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसके अंदर मशरूम के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसको हम सब्ज़ी में बाद में यूज़ करेंगे। कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच हींग। इन दोनों को ही हम अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन तीनों ही चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम 4 टमाटर को मिक्सी में क्रश करके कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो मसाले हमने पीस कर रखे थे उनको हम टमाटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम टमाटर के मिक्सचर को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्मूथ ग्रेवी बना लेंगे। इसके अंदर हमने 1/4 कप पानी डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मलाई डाल रहे हैं। घर में जो हमारे नॉर्मल मलाई होती है हमने उसी का यूज़ करा है। आप चाहें तो जो मार्केट में क्रीम का पैकेट मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर वो पानी डालेंगे जो हमने मशरूम को भुनते समय बचा के रखा था और सारी भुनी हुई वेजिटेबल्स को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर कढ़ाई को ढककर सब्जी को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है। फाइनली इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया स्प्रिंकल करेंगे और सब्जी को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कढ़ाई मशरूम बन के बिल्कुल तैयार है। दिखने में ये जितना टेस्टी लग रहा है खाने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार है। किसी भी गेट टुगेदर पार्टी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So thank you so much for watching today's video and I'll meet you all again in the next video.